हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक पुडला की रेसिपी। आज हम बनाएंगे पालक, मेथी और हरे धनिये और बेसन के पुडले, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, घर में मिलते इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। पालक मेथी के पुडले बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैटर तैयार करना है, तो इसके लिए मैं एक बड़ा सा बोल ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन, इसी के साथ जाएगा 1 टेबलस्पून सूजी। तो अभी मैं 1/2 कप पानी ले रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट आपको विस्क की मदद से अच्छे से फेंटना है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून हींग, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। वापस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट दे देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पालक 1/2 कप, 1/4 कप मेथी फाइनली चॉप करके लेना है, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, क्रश किया हुआ लहसुन, तो यहाँ पे रफली क्रश करके लिया है 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक। वापस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप जो पानी बचा था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो टोटल अभी 1 कप मैंने पानी यूज़ किया है। पहले मैंने 1/2 कप डाला था, वापस मैं 1/2 कप पानी ले रही हूँ, तो टोटल 1 कप अभी मैंने पानी डाला है। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, बैटर थोड़ा सा पतला ही हमें तैयार करना है, गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए। और थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। तो वापस मैंने 1/4 कप पानी डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी है, इसे हम अच्छे से मिक्स करके एक बोल में भर लेंगे। कोई भी इस टाइप की कटोरी हो वो आपको लेना है, तो इस टाइप की जो भी बॉर्डर वाली कटोरी रहती है इसी से ये अच्छे से स्प्रेड होगा। एक साइड मेरा तवा भी गर्म हो चुका है, तो अभी मैं कास्ट आयरन तवा ले रही हूँ। मैं दोनों तवे में आपको बता दूँगी एक किस तरह से करना है। अभी मेरे पास ये तवा है तो मैं ये ले रही हूँ, इसके अलावा नॉन स्टिक या अपना सिंपल तवा भी चलेगा। थोड़ा सा तवे के ऊपर तेल स्प्रेड कर देते हैं। ये जो बैटर है इसे हम तवे के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर तेल डाल देंगे, इस तरह से ऊपर से इस तरह से तेल लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक तवा भी लिया है और नॉनस्टिक तवे पे भी मैंने ये पूड़ा बनाया है, आप देख सकते हैं। तो अभी ये नॉनस्टिक पैन में भी मैंने आपको बता दिया, पहले मैंने ये कास्ट आयरन तवे में बताया था और ये मैंने नॉनस्टिक तवे पे भी बता दिया। तो आप कोई भी पैन पे बना सकते हैं, अपना जो नॉर्मल घर का तवा रहता है उस पे भी बना सकते हैं। तो इस बारिश के मौसम में पालक मेथी के पुडले की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मैं ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।